इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन हुआ है। ईडी ने करोड़ों की जमीन जब्त की है। कानपुर रोड पर जमीन जब्त की गई बताई जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन हुआ है। स्कूटर इंडिया के सामने है कुशवाहा की जमीन। सपा ने लोकसभा में कुशवाहा को उपनेता बनाया है। जौनपुर से सपा सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा, और इस वक्त खबर ये आ रही है कि बाबू सिंह कुशवाहा के जमीन पर इस वक्त एक्शन हुआ। आईडी ने करोड़ों की जमीन जब्त की है। कानपुर रोड पर यह जमीन है बाबू सिंह कुशवाहा की। पूरा मामला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला ईडी बता रही है, और इसी में एक्शन हुआ ईडी की तरफ से। स्कूटर इंडिया के ठीक सामने कुशवाहा की जमीन है। सपा ने लोकसभा में इस वक्त कुशवाहा को उपनेता बनाया है। जौनपुर से सपा सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, और अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी का एक्शन हुआ है। करोड़ों की जमीन कुशवाहा की जब्त की गई है। कानपुर रोड पर यह जमीन बताई जा रही है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, पूरी जानकारी दीजिए, कहां पर यह जमीन है, जब्त किस मामले को लेकर इस जमीन को किया गया है? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने एक मामला दर्ज कर रखा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, और जो बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उसी मामले में इन जमीनों को जब्त करने के लिए ईडी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। ईडी पहले ही उन जमीनों को, उन संपत्तियों को चिन्हित कर चुकी है, जो माना जा रहा है फर्जी शेल कंपनियों के जरिए जो पैसे का डाइवर्जन किया गया था, उन पैसों के जरिए खरीदी गई है, दूसरे नामों पर खरीदी गई है, जो जिन कंपनीज का नाम सामने आ रहा था, कुछ उसमें कागजी कंपनियां मिली हैं जो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ईडी की जो तमाम जांच थी वो उनमें इन सारी बातों की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। अब ईडी ने कार्रवाई की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया है। ईडी के पास जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, उसके तहत किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। उसी अधिकार के तहत, उसी कानून के तहत ईडी अब बाबू सिंह कुशवाहा की इन जमीनों को जब्त कर रही है। और ये जानकारी भी सामने आई है कि इन जमीनों पर अवैध निर्माण भी कराया गया था, उस अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया जाएगा। तो सिर्फ ऋषभ ये एक जमीन है या और भी ऐसी जमीनों को या संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जिस पर ईडी कार्रवाई करेगी? और ये पूरा मामला कब से शुरू हुआ, यानी कब से ये मामला चल रहा है बाबू सिंह कुशवाहा पर? देखिए, सिर्फ लखनऊ ही नहीं है, कुछ जमीनें जौनपुर में बताई जा रही है, कानपुर में बताई जा रही है, नोएडा में बताई जा रही है, कई जमीन है, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिनको ईडी ने चिन्हित किया है। 2017 से ही ये मामले चल रहे हैं और ईडी लगातार जांच कर रही थी। अपनी जांच के दौरान ईडी को तमाम जानकारी पता हो गई है कि एक समय बाबू सिंह कुशवाहा ने तमाम शेल कंपनीज के जरिए बड़ी रकम का हेरफेर किया है, और उसी रकम से ये सारी जमीनें खरीदी गई हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाई गई हैं, और उन सबको चिन्हित कर लिया गया है। अब वो सभी जमीनें और कॉम्प्लेक्सेस ईडी की कार्रवाई की जद में आ चुकी हैं। बिल्कुल, और देखिए, ये चूंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उपनेता भी बनाया गया है इनको लोकसभा में एसपी की तरफ से, चूंकि ये पूरा मामला ईडी के पास है, ईडी जरूर इसमें एक्शन कर रही है, और अब इसके रिएक्शन भी आने शुरू हो जाएंगे ऋषभ, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। क्योंकि इन तमाम बातों को लेकर, ऐसे भी हम सपा अध्यक्ष को सुन चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं कि ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा दी है, तो अब इस एक्शन के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन भी मिलने बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। देखिए, ठीक है, ये सब सियासी लोग हैं, इनके हर कदम में सियासत जुड़ी हुई होती है, और जाहिर सी बात है जब बड़ी कार्रवाई होगी तो बयान भी आएंगे। लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि जब ये मामले दर्ज हुए थे तब बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी में नहीं थे, वो पहले बसपा में हुआ करते थे, बसपा छोड़कर उन्होंने अपनी खुद पार्टी बनाई थी। लेकिन बाद में अभी जो 2024 का चुनाव है, उन्होंने जौनपुर से लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और विजयी होकर सांसद भी बने हैं, तो फिलहाल वो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने उनका कद भी बढ़ाया है, लोकसभा में उनको उपनेता बना दिया है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि उनके जितने भी खैरख्वाह होंगे वो इस कदम को इसी तरह से देखेंगे कि उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन जितना मैंने रिपोर्ट किया है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक ईडी काफी समय से इस तरह की कार्रवाई में जुटी हुई थी, और बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा चुके थे, और जमीनों को, प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर लिया गया था, और अब कार्रवाई की जा रही है।
बिल्कुल, तो बाबू सिंह कुशवाहा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी के बड़े नेता हैं, लोकसभा में उपनेता हैं एसपी के, और अब उनकी जमीन को जब्त किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेशम मणि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।